बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे जमात पंजो मजमून माहौल का मुताला नंबर एक का सबक नंबर 25 सामाजिक सेहत का दूसरा हिस्सा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सामाजिक सेहत यानी क्या, सामाजिक सेहत की अहमियत क्या है और सामाजिक सेहत को खतरा किन अवामिल से है, और उसी तरह से हम देखेंगे कि पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए हमें क्या चाहिए। इन तमाम बातों का इल्म हम इस वीडियो में हासिल करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा कि सामाजिक सेहत यानी क्या और सामाजिक सेहत क्यों जरूरी है। इस कोरोना महामारी में तो सामाजिक सेहत की अहमियत ज्यादा बढ़ गई है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सामाजिक सेहत यानी क्या। तो सामाजिक सेहत से मुराद इंसानों का पूरे समाज का तंदुरुस्त रहना, साफ सुथरा रहना और साथ ही साथ उसके लिए मतवाजन गिजा और जाती सफाई, वर्जिशे करना और सेहत से मुताल्लिक मशागिल को इख्तियार करना, इससे हमारी सेहत बेहतर होगी और सेहत का इर्तिका होगा। और जिस तरह से हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो वही हमारा फर्ज है कि हमें अपने समाज की सेहत की बेहतरी के लिए कोशिश करना होगी, उसकी सेहत का भी ख्याल हमें रखना होगा। तो हम ये ख्याल किस तरह से रखेंगे, जो हमारा अखलाकी फर्ज है और सामाजिक फर्ज भी है। तो इसके लिए हमें जो है तो अपने आप को और समाज को तनाव से पाक और खुशखुर्रम जिंदगी देनी होगी, माहौल देना होगा। और हर किसी को खुशखुर्रम जिंदगी की तमन्ना होती है, तो बस वही माहौल और वही बातें जो है तो हमें समाज के अंदर पैदा करनी होंगी, जैसे साफ सफाई है और मुतवाजन गिजा है और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम बातों को जब हम अपने सेहत के से जोड़ेंगे, अपने जिंदगी में लाएंगे, तो हम जो है अच्छी आदतों को अपनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि अवामी सेहत हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि आलूगी, गंदगी, मौतदी अमराज, नशे की लत और कीड़े मार दवा, मच्छरों की बीमारियां, और उसी तरह से हम देख रहे हैं आजकल कोरोना जैसी महामारी सामाजिक सेहत को जिससे खतरा लाहक हो चुका है। तो इन तमाम वजूहात के बिना पर सामाजिक सेहत बहुत मुतासिर हो रही है और आवाम जो है तो खुशखुर्रम जिंदगी से और सेहतमंद जिंदगी से दूर हो रही है। अब हम इन्हें खुशहाल सेहत और सेहतमंद जिंदगी किस तरह से मुहैया कराएंगे, तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है और इसी को मुहैया कराने के लिए हम सबको सामाजिक सेहत की देखभाल करना जरूरी है। अब सामाजिक सेहत की अहमियत क्या है, तो आज इसके हम देख रहे हैं कि कोरोना, डेंगू और दीगर जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए सामाजिक सेहत बहुत ज्यादा अहमियत है और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, हमें समाज की सेहत को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक सेहत को बेहतर करना जरूरी होगा, क्योंकि मुल्क की तरक्की जो है मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा अहम है कि उस मुल्क के लोग सेहतमंद हो, साफ सुथरे हो, मकवी गिजा इस्तेमाल करते हो और बेहतर पानी का इस्तेमाल करते हो, बेहतर सहूलतें उन्हें फराहम हो, तभी लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। इसलिए इससे हमको जो है तो पीने के पानी का ख्याल रखना होगा, गिजा का ख्याल रखना होगा और जो नुकसानदेह चीजें हैं उससे हमें जो है तो बचना होगा, खुद को भी और समाज को भी जो है इससे हमें बचाना होगा। माहौल को साफ सुथरा और तंदुरुस्त रखने के लिए और देखने के लिए हमें बेदारी मुहिम चलानी होगी, समाज को जागरूक करना होगा और उसके लिए जो है तो हमें मुख्तलिफ कानून का सहारा लेना होगा कि जैसे भाई कहीं पर भी थूकना नहीं चाहिए और अगर थूकते हैं तो उसके लिए जो है तो कानून बनाया गया, उसके तहत सजा दी जाएगी। इस तरह से जो है तो हमें सामाजिक सेहत को बचाना होगा। अब सामाजिक सेहत को खतरा किन चीजों से लाहक है, तो किन वजूहात के बिना पर सामाजिक सेहत को खतरा लाहक होता है हम देखेंगे। नंबर एक, सफाई की आदत। नंबर दो, जिससे हम लापरवाही बरतते। तो इसी तरह से जो है इंसान अगर साफ सुथरी चीजें अपनाएगा, सामाजिक सेहत को खतरे से बचाएगा तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। मैंने वीडियो के आखिर में गूगल फॉर्म्स की एक लिंक डाली है, आपको उस लिंक पर जाना है और देखना है कि सामाजिक सेहत को खतरा किन चीजों से, तो आपको अपने बयाज में निशान करना है और आप किताब का पेज नंबर 133 और 134 का इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से जो है उसमें टिक करेंगे और लिखेंगे, साथ ही गूगल फॉर्म्स के अंदर भी जो है आप टिक करेंगे।
पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए हमें किन किन बातों की और किन किन चीजों की जरूरत है। तो हम अपनी सेहत की अच्छी तरह देखभाल करने के लिए, जिंदगी को पुरसुकून गुजारने के लिए हमें जो है तो हुकूमत की तरफ से जो सहूलतें दी जा रही है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमेशा खुश और खुर्रम रहना होगा, समाजी सेहतमंद और जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखना होगा, तभी हम पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। सामाजिक तनाव कम होगा और इंसान की जिंदगी पुरसुकून होगी और सेहतमंद समाज में दोस्ताना ताल्लुकात परवान चढ़ेंगे। इस तरह से जो है तो हमारी समाजी सेहत मुतासिर भी नहीं होगी और मुल्क जो है तो तरक्की करेगा। शुक्रिया।